एवरीवन गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपका भी जो व्हाट्सएप स्टोरेज प्रॉब्लम है अगर वो फुल हो चुका है तो ऐसे में आप अपने व्हाट्सएप स्टोरेज को खाली कैसे करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी भी व्हाट्सएप स्टोरेज फुल हो चुकी है तो आप उसे कैसे खाली करेंगे। आपका ना तो कोई डाटा डिलीट होगा और ना ही कोई आपके डॉक्यूमेंट डिलीट होंगे, सिर्फ आपको मैं अपना व्हाट्सएप जो स्टोरेज है उसे खाली कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपका व्हाट्सएप भी चलते चलते हैंग हो जाता है या हट जाता है या खुलता ही नहीं है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप की जो स्टोरेज प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, छोटी सी वीडियो होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट पहचान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आपके भी व्हाट्सएप स्टोरेज फुल हो चुकी है और आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है तो आपको अब वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। तो चलिए आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चैट, चैट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसी चैट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इसी पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको चैट बैकअप एंड चैट हिस्ट्री ये दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नीचे वाले पर क्लिक करते हैं, चैट हिस्ट्री पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें पहले नंबर पर तो क्लियर ऑल चैट पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लियर ऑल चैट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और क्लियर चैट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लियर चैट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोसेसिंग चल रही है। तो हमने दोस्तों क्लियर ऑल चैट कर दिया है। अब यहाँ पर हम डिलीट ऑल चैट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट चैट भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये भी प्रोसेसिंग चल रही है और ये भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर नीचे ही नीचे स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो मैनेज स्टोरेज है ऊपर ही ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको दिखाई देगा जो ग्रीन कलर का है 0.9 KB यूज़ और 67 GB फ्री, यानी कि जो आपका व्हाट्सएप स्टोरेज है वो 67 GB तक फ्री है अभी मेरे तो, जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो आपको ग्रीन यहाँ पर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यह 0.9 KB यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नो चैट यानी कि हमने जो भी चैट थी वो डिलीट कर दी है, हमने जिससे भी चैट की थी वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप मीडिया में हमने 0.9 KB यूज़ की है और इसके बाद ऐप एंड अदर आइटम इसमें हमने अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो ये हमारे अभी 67 GB फ्री है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मैनेज स्टोरेज है वो खाली हो चुका है। अब हमारा जो व्हाट्सएप स्टोरेज है वो फुल नहीं होगा। अगर आपके ऐसे फुल होता है तो आप इसे हर साल इसे आप खाली कर सकते हैं जिससे कि आपका व्हाट्सएप स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे।